हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त सदर आलम। आज का जो हमारा वीडियो है ये बीएमए से रिलेटेड है। अक्सर हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी आपको वीडियो बनाते रहते हैं, तो आज हम आपको जो है देखिए बीएमएस के बारे में कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो बीएमएस का हम स्ट्रक्चर खोले हुए, ये पासवर्ड से लॉक रहता है, तो हर साइड पे अपना पासवर्ड रहता है। उस हिसाब से आप जब आपको यूनिट मिलेगा तो आप खोल सकते हैं, पासवर्ड आपको याद रहेगा तो हमने ऑलरेडी इसको खोल के रखा है। अभी देखिए चिला डेटा का यहाँ पर देखिए होम पेज में हम पहले चले जाते हैं, तो होम पेज में हमारा इस तरह से कुछ खुलता है। ठीक है, आउट स्टेशन 1, आउट स्टेशन 2, आउट स्टेशन 3, 4, 5, ठीक एफ सी सुमरी, फिर चिलर का डेटा 1, चिलर डेटा 2। तो हमारा दो चिलर लगा हुआ है, तो चिलर 1 का हम डेटा चेक करते हैं। ठीक है ना, तो चिलर 1 हमारा रनिंग है। चिलर 1 में देखिए ये परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी दिखा रहा है यहाँ पे 45%। आप इस तरह से मतलब एक ऑपरेटिंग आप रीडिंग ले सकते हैं किस तरह से अपना बीएमएस का, और कैसे आप रिसेट कर सकते हैं अलार्म, वो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। ये हो गया 45% आपका ये जो है परसेंटेज रनिंग लोड में है वो। फिर डिस्चार्ज प्रेशर आपका देखिए किलो पास्कल में दिखा रहा है अपना 1024 है। फिर उसका सक्शन प्रेशर आपका 267 किलो पास्कल है। उसी तरह से ऑयल प्रेशर है, फिर आपका सेचुरेशन कंडेंसिंग टेम्परेचर है, फिर सक्शन का आपका सेचुरेशन टेम्परेचर है, एवरेज डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर है। ठीक है, मोटर अब मोटर का कितना टेम्परेचर है, मोटर कितना हीट हो रहा है उसका भी यहाँ पर सेंटीग्रेड में दिखा रहा है। फिर मोटर कितना करंट ले रहा है हमारा वो भी हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दिखा रहा है। उसी तरह से सर्किट बी, जैसे एक हमारा चिलर में है ना दो कंप्रेसर लगा हुआ है, सर्किट 1 सर्किट 2, तो सर्किट ए और सर्किट बी के नाम से है। तो सर्किट बी हमारा देखिए यहाँ पर 50% लोड में है, जो कि ये हमारा सर्किट 1 45% लोड में है। उसी तरह से अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो है डिस्चार्ज प्रेशर इतना दिखा रहा है, ये अप डाउन होते रहता है डिस्चार्ज सक्शन प्रेशर, आपको तो मालूम ही है। और इसी तरह से इसमें भी सेम आप पैरामीटर्स जो है आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से रीडिंग बुक में लिख सकते हैं अपना इसका इग्निशन प्रेशर कितना है वो भी दिखा रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए ओवरऑल जनरल पैरामीटर में क्या है, चिलर का स्टेटस क्या है ऑन, ठीक है, कॉमन अलार्म कुछ है कि नहीं तो यहाँ पर नॉर्मल दिखा रहा है, अगर अलार्म रहेगा तो वहाँ पर अलार्म शो करेगा। दूसरा परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी कितना परसेंट टोटल मिला के चल रहा है, 50% लोड में है। और जो सेट पॉइंट किए हुए हैं हम लोग मतलब टेम्परेचर लिविंग का ये पानी का, उसका 7 डिग्री सेंटीग्रेड में है। उसके बाद ये एक्सटर्नल टेम्परेचर मतलब बाहर आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है, तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसी तरह से आपका जो ये है इंट्रिंग टेम्परेचर, कूलर में कितना इंट्रिंग हो रहा है टेम्परेचर, 11.0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो लिविंग है मतलब जो आउट कर रहा है पानी, वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड आउट कर रहा है। एक्चुअल हमारा चिलर जो कितना करंट ले रहा है, 286 एम्स ले रहा है। ठीक है, उस तरह से फिर होम पेज में जाएंगे। अब हम चाहें तो यहाँ से एफसीयू का समरी देख सकते हैं पूरा, जैसे चिलर 1 का डेटा देखें, चिलर 2 के भी डेटा आप देख सकते हैं, चिलर 2 का डेटा मान लीजिए हम देखते हैं। तो ये हम इसको बंद करके रखे हैं, इसलिए जो यहाँ पर देख रहे हैं ना लोड जो है इसका 0-0 दिखा रहा है। ये जो हमारा जितना लोड है वो 0 है, एम्स कितना ले रहा है ये भी 0 है, तो ये सब कुल मिलाकर के 0 है। तो अभी हम फिर इसका देखते हैं, 1 चालू था हमारा, तो अभी हम एफसीयू का समरी अगर हमको देखना है तो एफसीयू का हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑलरेडी जो एरो का निशान जो बना हुआ है ना, तो ये हमारा बंद किया हुआ है, तो बंद करने से इस तरह से आपका ये आएगा। इसको अगर हम एक्नॉलेज करते हैं, अगर मतलब हमको अब इसको रिसेट करना है, तो रिसेट के लिए हम इस पर दबाएंगे, एक बार इस पर क्लिक करेंगे, और अभी यहाँ पर देखिए यहाँ से हम रिसेट मारेंगे फिर भी वो ऑन नहीं हुआ, क्यों, वहाँ से स्विच ऑफ किया हुआ है। तो जब वहाँ से हम ऑन करने के बाद यहाँ से हम रिसेट मारेंगे चालू हो जाएगा। दूसरा अभी सब एरिया का टेम्परेचर शो करेगा, अभी हम 21.8 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ जहाँ जोन सा लोकेशन में जितना रहेगा। अभी मान लीजिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है, किस तरह से पानी का लाइन वगैरह आ रहा है, कितना टेम्परेचर है। ठीक है, इस तरह से अपना जो भी है पैरामीटर्स जो भी यहाँ पे है, सेट पॉइंट अगर हमको प्रेजेंट सेट पॉइंट ऐसा ऐसा है, अगर हम इसको चेंज हमें करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इस पैरामीटर को किसी, हाँ इसी के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब दूसरी अब उसके बाद हम एफसीयू का देख लेते हैं। तो अभी हम बैंक आ जाते हैं, बाकी एचयू का देख लेते हैं कुछ। तो अभी हम होम पेज में वापस आ जाते हैं, और उसके बाद हमारा मान लीजिए आउट स्टेशन 2 में चेक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे 4 एचयू लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये चारों एचयू हमारा रनिंग है। यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से ये राउंडिंग चल रहा है। अभी हमको मान लीजिए देख रहे हैं ना ईस्ट फ्लोर एचयू नंबर 2 प्लांट रूम, ठीक है। अभी हम इसको एक पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एचयू का देखिए टोटल पैरामीटर्स यहाँ पर दिखा रहा है। एचयू यहाँ पर देखिए फ्रेश एयर भी हमारा ऑन है, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये मोटर भी रनिंग एक दिखा सौ रहा है सप्लायर सत्तर फैन, और उसके बाद यहाँ पर कितना इन कर रहा है, इन आउट जैसे चिलर एचयू के अंदर जो हमारा कूलिंग कॉइल में जो टेम्परेचर वाटर जो है, कूलिंग वाटर जो इन करता है वो कितना कितना डिग्री वहाँ पे इन कर रहा है वो दिखा रहा है। जैसे 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड इन कर रहा है, ये आउट कर रहा है 16.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना पोजिशन में हमारा एक्चुएटर ओपन है ये दिखा रहा है। अभी हमारा हीटर भी ऑन है, ये हीटर का है। ठीक है, तो ये देखिए इस पर रखेंगे तो हमारा ये आएगा, लिखेगा जो भी चीज़ रहेगा, ये हमारा 64.9% ओपन है। इस तरह से यहाँ पर ऑटो मोड में डाला हुआ है, VFD 76% लोड में चल रहा है। हम एक एचयू का फंक्शन आपको दिखा दे बता दे रहे हैं, सेम सभी एचयू का वैसा ही रहेगा, एफयू का वैसा रहेगा, चिलर का पैरामीटर्स वही रहेगा। तो बस हम आपको एक का डिटेल्स शेयर कर दे रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर कितना हमारा RH है, जो सप्लाई हमारा जा रहा है उसका RH भी यहाँ पर देखिए दिखा रहा है टोटल। ठीक है, कितना प्रेशर में जा रहा है ना, ये प्रेशर भी हमारा शो कर रहा है। इस तरह से ये हमारा ऑटो मोड में यहाँ चल पर रहा है, इसको प्रेशर चाहे तो हम लोग हैंड में भी चला सकते हैं, लेकिन ऑटो में वो ऑटोमेटिक चलते रहेगा अपने हिसाब से। एचयू का देखिए टेम्परेचर कितना है, 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस तरह से अगर हमको सेट करना है सप्लाई टेम्परेचर सेट पॉइंट, यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा, इसका हम लोग सेट पॉइंट करके रखे हैं, तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इकोनॉमिक अपना टेम्परेचर सेट पॉइंट, मतलब दोनों का एवरेज के बीच में हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग यहाँ से चेंज ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ से बैठे बैठे हम BMS रूम से टोटल सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा है। अभी रिटर्न RH हमारा सेट पॉइंट देखिए 65.0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया हुआ है। इसको हम जैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ऊपर नीचे घटे बढ़ेगा, देखिए 64.9 हो गया, अब इसको हम बढ़ाएंगे तो 65 हो गया। तो इस तरह से हम इसको चेंज ओवर कर सकते हैं। इस तरह से एम्बियंट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कितना है, 59.7 दिखा रहा है, और उसी तरह से यहाँ पर एम्बियंट टेम्परेचर कितना है, 35.8 दिखा रहा है। तो इस तरह से सब हमारा जो मेन फंक्शन है, ये देखिए फ्रेश एयर फैन का जो हमारा मोटर है, ये हमारा ट्रिप है। फ्रेश एयर को फिल्टर का हाँ सॉरी, यहाँ पर ये जो हमारा फिल्टर का भी यहाँ पर सेंस करता है, ये देखिए हमारा ये फिल्टर जो है ना हमारा यहाँ पे, ये फिल्टर डायरेक्टर हमारा डर्टी फिल्टर का ये सैंपल दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर हम कर्सर लेकर के जाएंगे जब हम, तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है डर्टी फिल्टर। तो जब हम इसको साफ करेंगे, साफ करके उसके बाद डालेंगे तो ये हमारा हट जाएगा, रिसेट माना होगा। रिसेट अभी हम मारेंगे लेकिन वो वापस हमारा फिर सेम कंडीशन में, जैसे अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, कोई फायदा अभी नहीं। कोई फायदा नहीं है हम क्लिक करने से, जब तक हम उसको वहां से मैनुअली जा करके उसको सफाई नहीं करते हैं तब तक वो नहीं हटेगा, तो हमको उसको सर्विस करना होगा। तो यही सब था, आप एक एक करके यहाँ से चेक से एचयू का सेमरी है टोटल देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक साथ आपको व्यू देखना है पूरा, तो आप एक साथ व्यू में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका ग्राउंड फ्लोर HU1 है, ग्राउंड फ्लोर HU2 है, इस तरह से देख रहे हैं ना आप, ये ऑन 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 सब है, लेकिन एक हम किसी कारण से ऑफ रखे हैं इसलिए हमारा ये ऑफ दिखा रहा है। और कितना पोजीशन में हीटर इसका ऑन है, ये आपका हीटर का भी दिखा रहा है कि हीटर का पोजीशन कितना परसेंट ऑन है वो है। फिर चिल्ड वाटर बल्ब का पोजीशन कितना ऑन है जो भी है वहाँ पे लगा वो भी दिखा रहा है। फिर सेट पॉइंट, ये प्रेजेंट सप्लाई एयर सेट पॉइंट कितना है, RH कितना है, रूम का टेम्परेचर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कितना है, सप्लाई कितना हो रहा है उसमें, अवेलेबल कितना है, ये सब हमारा यहाँ से शो हो जाएगा, हम देख सकते हैं। हमको अगर ये देखना है क्या बोलते हैं, अलार्म देखना है क्या क्या अलार्म है, तो हमारा ये देखिए यहाँ पर अलार्म पर क्लिक करेंगे तो अलार्म देख सकते हैं। ठीक है, अभी HU का जो फॉल्ट है ट्रिप है, फिर दूसरा अलार्म है वो भी अलार्म हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके सब जो है वन बाई वन हम लोग चेक कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने फिर से इसको होम पेज में आ गया, देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, देखिए चिलर 1, ये चिलर 1 का जो डायग्राम यहाँ पर ये देख सकते हैं किया हुआ है। इसमें यहाँ पर जो है बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है, देखिए BFV लिखा हुआ है, बटरफ्लाई वाल्व कमांड कितना ओपन पोजिशन में है। ये हमारा इंटरिंग टेम्परेचर दिखा रहा है, ये आउट का टेम्परेचर दिखा रहा है ये चिलर का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो चीलर से जो हमारा पानी आउट कर रहा है वो आउट होकर के सीधा हमारा जो है ये सेकेंडरी पंप में जा रहा है। ये हमारा सेकेंडरी पंप है, ये ऑटो मोड में है, ये सेकेंडरी पंप का भी यहाँ पर देखिए प्रेशर शो हो रहा है, कितना प्रेशर वो फ्लो कर रहा है आगे सब दिखेगा। और ये हमारा सीधे जो है हमारा ये HU में जाएगा, ये सप्लाई HU में जाएगा। यहाँ पर दो पंप लगा हुआ है, एक रनिंग है एक डिमांड नहीं है उसको, वो बाद में या तो वीकली चेंज होएगा नहीं तो 2-3 दिन में, जैसा मतलब
उसको सेट करके रखेंगे उस हिसाब से वो चेंजेबल होता है। दूसरा यहाँ प्राइमरी पंप, तो प्राइमरी पंप में एचयू से जो पानी आ रहा है, ये टू एचयू से पानी आ रहा है इसमें प्राइमरी पंप में, ये आने के बाद जो है यहाँ से सप्लाई देखिए निकल करके किधर जा रहा है, ये वाला लाइन चिलर का इन में जा रहा है, ये चिलर का इन में जा रहा है। देखिए ये इन 11 डिग्री सेंटीग्रेड इन कर रहा है और यहाँ से आउट होने के बाद सीधे ये एक डिग्री का डिफरेंस रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटस डिफरेंस दिखा रहा है। तो ये हमारा चिलर में इन किया 7.9 डिग्री आउट कर रहा है। तो बेसिकली ये पंप के पास आपको 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको अप डाउन का टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे का। ठीक है, इस तरह से अपना ये डिटेल्स है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बीएमएस से रिलेटेड चेक करने के लिए रीडिंग कैसे चेक करते हैं। बाकी अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट ऐसा रहेगा वो चीज़ का भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में मैसेज ज़रूर करें, और किसी भी चीज़ पर जानकारी चाहिए तो उस पर भी आप मैसेज करें, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। चलिए फिर, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।